हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर। और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कोरल ड्रा में कुछ ऐसे राउंड में कैसे लिखेंगे, राउंड शेप में यदि आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। तो ये बताने के लिए मैं यूज करूंगा एचपी का कीबोर्ड और माउस, जिसको चलाने में होता है बहुत ही स्मूथ और अच्छा, सॉफ्टली चलता है और अच्छे से वर्क होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन है और इसमें मैं राउंड शेप में लिख करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया, आपने देखा होगा बहुत से विद्यालय का नाम या कुछ भी इस टाइप से जो कि राउंड में लिखा होता है, जैसे फ्यूचर कंप्यूटर बाय लकी सर मैंने लिख लिया, इस तरीके से मैंने लिख लिया। इसको मुझे राउंड में लेना है, जिस भी शेप में लेना है वो शेप आप ड्रा कर लीजिए। जैसे मुझे राउंड में लेना है, मैंने एक राउंड ऐसे ड्रा कर लिया। इसके बाद में मैं यहां से ये पिक टूल लूंगा, पिक टूल लेने के बाद ये फ्यूचर कंप्यूटर को सिलेक्ट करूंगा और टेक्स्ट पे जाऊंगा। इसके बाद यहां पर ऑप्शन है फिट टेक्स्ट टू पाथ, इस पर क्लिक करेंगे और जिस शेप में जो भी शेप हमने ड्रा किया उस पर क्लिक कर देंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि वो शेप राउंड में हो गया, लेकिन अभी क्या है कि आप जहां भी जाएंगे इस गोले को लेकर के, वहां पर वो लिखा हुआ जो भी डाटा है वो साथ में जाएगा। हमें इसको अलग करना है, तो अलग करने के लिए एक बार खाली जगह पर आप क्लिक कर दीजिए, फिर एक बार जो लिखा हुआ है वहां पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अरेंज पर जाएंगे और यहां पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ब्रेक टेक्स्ट ए पार्ट, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर से खाली जगह पर क्लिक करेंगे, फिर जो लिखा हुआ सेफ है इसको हम पकड़कर अलग कर लेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये जैसा राउंड में लिखने की बात हुई थी उस तरीके से ये राउंड में शो हो गया। इसको आप कलर दे सकते हैं, इसमें आप कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें रेड कलर दे दिया, लाइनिंग कलर यदि आपको कुछ देना है दे दिया, बोल्ड करना है हमने बोल्ड कर लिया। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप किसी भी शेप में डाटा को टर्न कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से कंप्यूटर में कुछ भी करना चाहें, यदि आपसे प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।